ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना है, आप सभी को मॉडल को ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस, जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो के लिंक दे रखे मैंने, आप तीनों वीडियो को देख सकते हो। एंड तीनों में से जो आप जो स्टेप आप सभी को सबसे ईजी लगा, आप उस स्टेप से आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना मैं आप सभी को बताता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस, मेरा थोड़ा सा ये इरेज करना रह गया था, तो मैं इसको मैं फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, ये हमारा फाइनली यहाँ पे हमने पूरा इरेज कर लिया है। तो गाइस, आप सभी को अब करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को डन कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे डन कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को इसमें ना डार्क फिकट डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एंड यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को बिल्कुल माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस जाएंगे इरेजर टूल में, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसके साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस, हमारे नीचे नीचे वाला एरिया, यानी कि जैसे कि ये हैंड हो गया हमारा ये वाला, इस तरीके से हम इधर उधर ऐसे डार्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे कि ये वाला एरिया हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब कि गाइस, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो मतलब कि हमारा जो भी अंदर का एरिया होगा उसको हमें डार्क करना है, ठीक है। जैसे कि गाइस, सबसे दिख रहा होगा ये, जैसे कि ये बाहर का हो गया एरिया, ठीक है, इसको इरेज कर लेना है। एंड नीचे का एरिया जो होगा उसको आपको कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, एंड वहाँ पे डार्क इफेक्ट डालना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इसको मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, मतलब कि आप जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। बाकी अभी इसमें हमारा पूरा बिगिनर अभी लगा नहीं है, अभी हम थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता ही दूंगा। तो बाकी आप अपने हिसाब से रख लेना आपको कितना चाहिए। बाकी यहाँ पे डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस, अभी थोड़ा सा बिगिनर और डालना है, तो उसके लिए करेंगे हम यहाँ से चलेंगे ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो ड्रॉ टूल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, हम यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे, एंड साइज को फुल रखेंगे, एंड जो ओपेसिटी है कुछ 16 तक रखेंगे, एंड फोटो को जूम करेंगे, एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे पेंट करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल, ताकि रियलिस्टिक सा लुक आए, ठीक है। तो हल्का फुल्का यहाँ से भी कर लेना है, क्योंकि जो मतलब कि ड्रॉ टूल से किया हमें उसमें मतलब कि पूरा यार रियलिस्टिक सा आया नहीं है, ठीक है, हल्का हल्का फीका फीका सा लग रहा था उससे। तो आपको इसका भी यूज़ कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्योंकि यार फोटो अच्छी करनी है, तो यार दो तीन टूल का यूज़ करना ही पड़ता है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे डन। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये पीएनजी मिल जाएगा जोकर कार्ड का। एंड इसको आपको सभी को कैसे लगाना है, आपको फोटो को जूम कर लेना है। एंड फोटो को जूम कर लेने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख लेना है अपने हैंड के पास। एंड यहाँ पे ओपेसिटी कम कर लेनी है। एंड ओपेसिटी कम कर लेने के बाद आप सभी को इरेजर टूल में जाना है, हार्डनेस को फुल कर लेना है, एंड फोटो को जूम करना है, एंड फटाफट से यहाँ पे इरेज कर लेना है। ओके गाइस, सो फाइनली हमने यहाँ पे भी सब कुछ जो भी करना था हमने कर लिया है। तो उसके यहाँ पे हम डन करते हैं आप। एंड उसके बाद जाएंगे गाइस ऐड फोटो में, एंड ऐसे हम ले लेंगे कि वी फायर का पीएनजी। एंड इसका हम ब्लेंडिंग मोड कर देंगे पहले स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम फोटो को जूम करेंगे, एंड कुछ इस टाइप से हम अपनी फोटो के पास कुछ इस टाइप से बड़ा करके इसको लगा देंगे, ठीक है। आप सभी कुछ इस टाइप से लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी गाइस इसका थोड़ा कलर एडजस्ट करना है, आपको जाना है एडजस्ट में। एंड उसके बाद आप सभी कॉन्ट्रास्ट को जाना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को जो ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करना है बस, आप सभी को और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद सिंपली आप सभी को इसको कुछ इस टाइप से लगाने के बाद सिंपली पूरा परफेक्ट से डन कर देना है। ओके, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा से ऐड फोटो में। एंड यहाँ से आप सभी को गाइस एक पीएनजी मिलेगा पार्टिकल का, आपको उसको कुछ इस टाइप से लगाना है, यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। एंड इसको आपको अपने फायर के पास कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड चाहो तो उसकी ओपेसिटी आप थोड़ी कम भी कर सकते हो। ओके, तो इतना कर देने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस फोटो को यहाँ पर सिंपली डन कर देंगे आप। ओके गाइस, सो देखिए गाइस हमारा पार्टिकल जो लग चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है गाइस हम दोबारा साइड फोटो में जाएंगे। एंड गाइस यहाँ से हम ले लेंगे इस विग्नेट का पीएनजी को, आपको इसको भी यूज़ कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड इसको आपको कुछ स्टेप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस आपसे को फिर क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद इस फोटो को लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में। एंड उसके बाद गाइस आपसे को जाना है ऐसे लाइट वाले ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट आप सबको की तरफ बढ़ा देना है, हाईलाइट को जो है थोड़ा सा कम कर देना है, एंड शेडो को जो है इसको भी कम कर देना है, एंड जो वाइट ब्लैक है इसको कम कर देना है, एंड जो वाइट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, कलर्स मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है,
येलो कलर को लेना है, सैचुरेशन को माइनस करना है, ल्यूमिनस को ह्यू को माइनस कर देना है, एंड लेना ब्लू कलर, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड इसके बाद पर्पल कलर, इसका सैचुरेशन माइनस, पिंक कलर, इसका सैचुरेशन माइनस, एंड कर देना है डन। एंड इसके बाद जाने का जब तू नीचे टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ा देना है, फोटो में जो वीकनेट है वो हल्का सा डाल देना है, एंड जो फोटो में जो ग्रीन अमाउंट होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके बाद जाने का नीचे वाला टूल में फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, नोट डॉक्शन आप उसको ही बढ़ा देना है, एंड जो कस कलर नोट डॉक्शन आप उसको ही बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलेगा, इसमें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।